नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। देखते हैं आज के समाचार। नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी और उप महापौर मनीषा धावड़े ने गुरुवार 7 जनवरी को सुबह 11 बजे पदभार संभाला। तिवारी 54वें महापौर और धावड़े 56वीं महापौर है। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी का स्वागत कर उन्हें आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। महापौर और उपमहापौर ऑफ नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले ऑनलाइन चुनाव में 127 वोटों के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दयाशंकर तिवारी को नागपुर के महापौर के रूप में चुना गया था। देश में ऐसा पहला प्रयोग था जिसमें कोविड-19 की पृष्ठभूमि के खिलाफ तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए मेयर के चुनाव हुए। गुरुवार को नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी और उपमहापौर मनीषा धावड़े ने गुरुवार 7 जनवरी को सुबह 11 बजे पदभार संभाला। इस वक्त नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी की माताजी भी मौजूद थी। महापौर तिवारी ने महापौर पद को ग्रहण कर अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने दयाशंकर तिवारी का स्वागत कर उन्हें महापौर पद के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आमदार कृष्णा खोपड़े, पिंटू झलके, प्रवीण दटके मौजूद थे। कितने वर्षों के मेरे संघर्ष के बारे में क्या कहना है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ और जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, उस मोहल्ले में देश के आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद सेना के बाद एक ही सेना बनी जिसका नाम था हिंदुस्तानी लाल सेना। और शायद उस मोहल्ले में पैदा होने के कारण मुझे ये सौभाग्य मिला कि जब मैं 1997 में नगर सेवक बना तो आज़ादी की स्वर्ण जयंती थी। और उसी का सौभाग्य है कि अभी जब मैं महापौर बना तो यह आज़ादी की हीरक जयंती वर्ष में मुझे महापौर बनने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन बलिदानियों ने इस भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सपने देखे होंगे और इस छोटी सी संस्था से, स्वायत्त शासित संस्था से जो अच्छे काम की अपेक्षा की होगी, वो अपेक्षा पूर्ण करने के लिए उन्हें इस हीरक महोत्सव में आदरांजलि अर्पित करने के रूप में मैं वर्ष भर काम करते रहूंगा, यही विश्वास मैं दिलाता हूँ।